तो फ्रेंड आज हम करेंगे कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड ये हमारा बैकग्राउंड है, तो हम इस बैकग्राउंड में आज एडिटिंग करने वाले हैं। तो इस बैकग्राउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको शेयर कर देना है यहाँ से आपको ऑटोडेस्क फेसबुक में। तो फ्रेंड फोटो हमारा बैकग्राउंड हमारे ऑटोडेस्क स्केचबुक में ओपन हो गया। तो अब क्या करना है आपको, अब हमें करना है इसमें अपना मॉडल ऐड। तो मॉडल ऐड करने के लिए ऊपर आपको सेकंड वाला टूल में चले जाना है। यहाँ पर आपको इंपोर्टिंग इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना और आपका मॉडल का फोटो आपको इम्पोर्ट कर लेना है। फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पर। आ गया हमारा मॉडल का फोटो, यहाँ से हम टैग मारकर क्लिक कर देंगे। तो क्या करेंगे फिर हम इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको ऊपर वाले थर्ड वाले टूल में चले जाना है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाएंगे तो ऊपर आपको स्लाइड करना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला इरेज वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, इरेज वाला उसकी सेटिंग में चले जाना और सेटिंग आप देख सकते हैं आपको इतनी रख लेनी है। हमें बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फटाफट रिमूव कर लेता हूँ।
सो फ्रेंड ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रिमूव। तो अब क्या करना है, हम इसको एग्जस्ट करेंगे। तो एग्जस्ट करने के लिए ऊपर आपको सिंपली सेकंड टूल में सेवन है चले जाना है और यहाँ पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफर का टैप करना है और इस फोटो को आपको अच्छे से एग्जस्ट कर लेना है उसी स्टेप से और ऊपर से डन कर देना है। तो फिर से इरेज में जाना और इसकी हम साइज को कम कर देना है। यहाँ से हम लेयर में चले जाएंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो कमरा अच्छे से दिख जाए कि कितना हमें इरेज करना है। इरेज करेंगे और फिर से मैं लेयर में चले जाना और इसकी ओपेसिटी को हमको फुल कर देनी है। सो फ्रेंड ये हो गया हमारा बैकग्राउंड सेटअप। अब क्या करेंगे, हम इसके फेस पर हम स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए आपको फिर से लाइब्रेरी में चले जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद स्मार्ज में चले जाना है। स्मार्ज में जाने के बाद लास्ट से थर्ड वाला ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, इसकी सेटिंग में चले जाना है। और आप इसकी सेटिंग को इस स्टेप से रख सकते हो और साइज तो अपने फोटो के हिसाब से आपको रख लेनी है। जो हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खराब लग रही है, हमने जो कटआउट किया उसी वजह से। तो हम फिर से लाइब्रेरी में चले जाएंगे और यही टूल को हम सिलेक्ट करके रखेंगे और इसकी फॉर्म बढ़ाएंगे कुछ 20-30 तक रखेंगे और इसकी स्ट्रेंथ भी हम कुछ 22 तक रखेंगे, इसकी साइज हम थोड़ी छोटी कर लेंगे और हमें एडिटिंग अच्छे से कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड ये होगी हमारी एयर एडिटिंग। तो अब क्या करना है, हम अब इस फोटो में करेंगे कलर एडिटिंग। को कलर एडिटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लाइट रूम में। तो इस फोटो को हम यहाँ से सिंपली आपको ऊपर वाले टूल पे चले जाना है, यहाँ पे आपको शेयर का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आपको अदर पे चले जाना है। यहाँ पर आपको लाइट रूम का ऑप्शन मिलेगा, लाइट रूम आपको इंस्टॉल कर रखी होगी। तो इसको फोटो को आपको सिंपली लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेनी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको फोटो को शेयर कर देता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो फिर हमने फोटो को ओपन कर लिया है लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में फोटो ओपन होने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोटो में करेंगे लाइट और शेड एडजस्ट। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, हमें से स्लाइड कर लेना है और यहाँ पे आपको ब्लैक को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ पे वाइट को थोड़ा माइनस करेंगे, शेडो को भी थोड़ा बढ़ाना है और हाईलाइट को थोड़ी कम करनी है। तो हो गया हमारी लाइट एडजस्ट, थोड़ी सी फोटो में देख रहे हैं आप लाइट आ गई है। उसके बाद करेंगे हम इसमें कलर एडिटिंग। तो कलर एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको लाइट के नीचे वाले टूल में चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिक्स वाले टूल में चले जाना है। मिक्स में जाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे रेड कलर को। रेड कलर को पहले तो आपको सेचुरेशन कम कर लेनी है, उसके बाद ऑरेंज वाले ऑरेंज कलर में चले जाना है। ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को भी आपको कम करनी है और ल्यूमिनस को बढ़ाना है, सेचुरेशन और थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद येलो कलर, येलो के फुल सैचुरेशन माइनस करनी है, ग्रीन के भी फुल माइनस कर लेंगे
उसके बाद टाइम कलर पे चला जाना है, उसकी सेचुरेशन को आपको बढ़ानी है। उसके बाद ब्लू, ब्लू पे ब्लू को आपको फुल्ली माइनस करना है, सेचुरेशन बढ़ानी है थोड़ी। लुमिनस को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हम फोटो में शेडो डालेंगे। तो शेडो डालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आपको ग्रेनेड का ऑप्शन मिलेगा, ग्रेनेड पे टच करना है और इस टाइप से कुछ आएगा। तो आपको नीचे स्लाइड स्लाइड करना है, नीचे आपको ये लाइन दिखेगी, बहुत कलर बहुत सारे कलर की होगी। उसको आपको सिंपल ये लेके चले जाना है ब्लू के बीच में, वैसे ही सेम चीज करना है मिड स्टोन में, स्टोन में भी आपको ब्लू पे ले जाना है। उसके बाद हाईलाइट को भी यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना लाइट वाला नीचे वाले टूल में, यहाँ पर हम पिगमेंट को थोड़ा माइनस करेंगे, क्लैरिटी थोड़ी बढ़ाएंगे, बस इतना ही करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फोटो एडिटिंग का वीडियो। गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, पहले से बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इसमें कलर एडिटिंग करने के बाद।